जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों आज का इस वीडियो एक थोड़ा हटके होने वाला है। आज के इस वीडियो में ना किसी अपडेट के बारे में बताऊंगा ना किसी ऐप्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं वीडियो कैसे शूट करता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, मूवी में आपने देखा होगा कि सामने का जो पोर्शन है वो हमें बहुत अच्छा दिखता है। हीरो हीरोइन बहुत सारे जो भी आर्टिस्ट हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन दोस्तों पीछे का जो बैकग्राउंड रहता है वो बहुत ही ख़राब सा रहता है। वहाँ डायरेक्टर कैमरा लेके खड़ा रहता है, बहुत सारे स्पॉट्स बॉय रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती है जो कि पूरी बिखरी हुई रहती है, और सामने का जो पोर्शन रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों मेरा जो सामने का पोर्शन है वो आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, लेकिन पीछे क्या है, मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मैं कौन सा स्टैंड यूज़ करता हूँ, कौन सा वीडियो कैमरा यूज़ करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, ये सब मैं आज आपको बताऊँगा। और मेरे लाइटिंग की क्या व्यवस्था है ये भी मैं आप सबको बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी सामने कि ये पोर्शन जो दिख रहा है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दोस्तों आपको मैं अभी यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ। ये जो सामने का मेरा पोर्शन है दोस्तों आप देख सकते हैं सामने का, ठीक है। अभी मैं आपको उसको बैक करके दिखाता हूँ कि जो इसके पीछे का जो है हाल क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है बैक का पोर्शन जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक स्टैंड है। अब मैं इसे स्टैंड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये स्टैंड नहीं है दोस्तों, ये एक सेल्फ़ी स्टिक है। आप देख सकते हैं ये एक सेल्फ़ी स्टिक है, सॉरी आप देख सकते हैं ये एक सेल्फ़ी स्टिक है। सेल्फ़ी स्टिक को मैंने यूज़ किया है कैमरा स्टैंड की तरह, सॉरी मैं कैमरा स्टैंड बोल रहा हूँ, कैमरा मेरे पास नहीं है दोस्तों। मेरे पास एक मोबाइल है जो कि आप सभी जानते हैं रियलमी 1 का मोबाइल है, सॉरी मैं उसे दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि उसी मोबाइल से मैं अभी शूट कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं सेल्फ़ी स्टैंड को मैंने सेल्फ़ी स्टिक को मैंने सेल्फ़ी स्टैंड की तरह यूज़ किया है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा है पोर्शन, यहाँ पर मैं बैठता हूँ इस चेयर पर, और यहाँ पर मैंने स्टैंड मेरे पास नहीं है, सेल्फ़ी स्टिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं। बॉक्स के ऊपर जो है हमारा सेल्फ़ी स्टिक है जो कि सेल्फ़ी स्टैंड का काम करता है, और यहाँ पे सॉरी थोड़े लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैठता हूँ चेयर पर, ये जो चेयर है और सामने मेरा एक सिस्टम है, और यहाँ बाजू में मेरा मंदिर है जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं लाइट के लिए क्या करता हूँ। तो दोस्तों नेचुरल लाइट मुझे मिलती है, नेचुरल लाइट का मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ से जो मैं है ऐसी विंडो खोलता हूँ तो यहाँ से बहुत सारा प्रकाश आ जाता है जिसका मुझे लाइट मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ कि मुझे कितना लाइट होना वीडियो बनाने के लिए और कितना नहीं होना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये मुझे नेचुरल लाइट मिलता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो में लाइट बहुत कम रहता है, बहुत सारे पर्सन ये बोलते हैं कि लाइट नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से होता है। मुझे जो इम्पॉर्टेंट में वीडियो बनाना रहता है तो मैं कम लाइट में भी बना देता हूँ, क्योंकि न्यूज़ मुझे अब तक अपडेट मुझे अब तक ऐप्स मुझे अब तक जल्द से जल्द पहुँचानी रहती है, वो भी सही समय पे, इसलिए मैं लाइट की परवाह ना करते हुए भी वीडियो बना देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लाइट आ रहा है, और ये मेरा सिस्टम है, एक्चुअली में ये मेरा सिस्टम नहीं है, ये कंपनी का सिस्टम है, यहाँ पे रखा हुआ है मेरे रूम में। और ये मेरा फ्रेंड है, आप इससे मिल चुके हो, अगर आप इससे नहीं देखा है आपने तो आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियो में, इसका नाम है पिनवाकू, और ये एक लिटिल सांता है। अभी 25 दिसंबर को आने वाला है आपके घर में भी, और ये रियलमी का मेरा बॉक्स है। तो दोस्तों इस टाइप की कुछ मेरी व्यवस्था है वीडियो बनाने की, और ये मेरे बाहर का व्यू है आप देख सकते हैं।
दोस्तों इस टाइप से मैं अपने वीडियो बनाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा एडजस्ट होता है, यहाँ से जो है लाइट एडजस्ट होता है, यहाँ से मैं विंडो को ऐसे करता हूँ तो यहाँ से मेरा लाइट एडजस्ट होता जाता है, तो मैं उस हिसाब से अपना लाइट यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। और अगर जब रात हो जाती है या फिर शाम हो जाती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सा जो आपको प्रकाश कम देखने को मिलता होगा, सॉरी उसके लिए, मेरे पास लाइटिंग की अभी व्यवस्था नहीं। पीछे एक लाइट जल रहा है लेकिन वो उतना प्रकाश नहीं दे पाता है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी दोस्तों क्योंकि अभी जो है मेरे 2000 सब्सक्राइबर लगभग हो गए हैं पूरे, और मैं आपको ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप मैं इससे मैं सैंपत्ति लेना चाहता हूँ कि भाई मैं इस टाइप से वीडियो बनाता हूँ तो या फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, या मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आता हूँ। अगर मेरे को अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना ना कीजिए, अनलाइक कर दीजिए वो भी ठीक है, लेकिन आप उसको अनलाइक करने की वजह ज़रूर लिखिए। मैं वीडियो इसीलिए बनाया हूँ दोस्तों कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूँ कि आप YouTube में अगर अपना चैनल बना रहे हैं या फिर लाइफ में कुछ कर रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है कि हम हार मान लेते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपको हार नहीं माननी है। आपको जो भी आपके पास छोटा मोटा जैसा भी सामान है आप उससे जुगाड़ कीजिए और आप अपना चैनल बनाइए या फिर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए या फिर लाइफ में कुछ अच्छा सा करिए, लेकिन हिम्मत ना हारिए। क्योंकि आपको दोस्तों बहुत सारे लोग, जैसे मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो मैं जब चैनल बनाया था तो मुझे बहुत से लोग बोलते थे यार ये क्या कर रहा है, ये पागल है और पागल समान काम कर रहा है, ये क्या वीडियो बना रहा है, ऐसे कहाँ से तुझे 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, कहाँ से तुझे 4000 और मिल जाएंगे, ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल होती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का मुझे प्यार मिला और मैंने 3 महीने में ही अपने सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए, 4000 और भी पूरे कर लिए। और उन लोगों को जो बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए तो मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला, बोलने वाले लोग बोलते ही रहेंगे। आप अपना काम करते रहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। आप पीछे मत हटिए, कोई भी जीवन के आपके कोई भी सिचुएशन में आप पीछे मत हटिए, डटे रहिए और काम करते जाइए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जब मैं हाथ से पकड़ के उनका मोबाइल सब्सक्राइब करता था तो उनको ऐसा लगता था कि वो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनके जेब से कुछ पैसे जा रहे हैं। जैसे कि मैं अगर किसी का सब्सक्राइब करूँ तो अरे यार कर ले सब्सक्राइब, देख लेंगे, बाद में पता चलता था कि मेरे जाने के बाद वही बंदा उसको अनसब्सक्राइब कर रहा है मेरे चैनल को। क्यों? क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है, और अगर वो सब्सक्राइब कर भी लेता तो कोई उसकी जेब से पैसे जाने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब हम किसी काम को करते हैं ना तो लोग ना धक्का मारने में बहुत आगे रहते हैं, वो भी आगे धक्का नहीं मारते, वो पीछे धक्का मारते हैं ताकि ये जो बंदा है आगे ना जा सके। लेकिन आपको इन सबको निगलेक्ट करते जाना है। मुझे बहुत से लोग चिढ़ाते थे, बोले देखो ये जा रहा है अतुल टेक बाजार, ये करेगा अपने चैनल को, ये अपना चैनल बनाएगा, ये 4000 घंटे पूरे कर लेगा। आपको इस समय कुछ नहीं करना है यार, आपको ये बंद रखना है और ये चालू रखना है और अपना काम करते जाना है, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था यार कि जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक गिव अवे लेके आऊँगा, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक गिव अवे लेके आ गया हूँ। आपको बहुत जल्दी इस मोबाइल का गिव अवे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर कीजिए। बहुत जल्दी आपको, आप में से किसी एक को ये जो मोबाइल है, ये आईटेल का मोबाइल है, ये दोस्तों कीपैड मोबाइल है, ये आपको मिल जाएगा। किसी भी एक लकी विनर को आपको ये मोबाइल ज़रूर से मिल जाएगा। अगर से आप नए हैं मेरे चैनल में, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर दोस्तों जो मैंने आपको बात बोली है, भूलना मत यार, कभी ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, हमेशा आगे बढ़ते रहना और मेरे चैनल मेरे वीडियो को देखते रहना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए, वंदे मातरम।